समाज के सहयोग से हम सारा काम करते हैं। स्पोकन इंग्लिश इसको हम हर विद्यालय में प्रारंभ करने वाले हैं। सरस्वती शिशु मंदिर के सभी आचार्य इन सारी जानकारियों को लेकर हम समाज के लिए जाने वाले हैं। सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ की ओर से आज रायपुर के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस पत्रकार वार्ता में विद्या भारती समेत सरस्वती शिक्षा संस्थान के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि विद्या भारती एक अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है, जिससे संबंध सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ के शैक्षिक मार्गदर्शन में संचालित 1111 विद्यालय हैं। छत्तीसगढ़ प्रांत में संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक शिक्षा पर विचार विमर्श के लिए एक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इस अभियान में विद्यालय की समितियां, पूर्व छात्र एवं विद्यालय के आचार्यगण घर घर जाकर संपर्क करेंगे। इस पत्रकार वार्ता में विवेक सक्सेना प्रादेशिक सचिव सरस्वती शिक्षा संस्थान, बद्रीनाथ केसरवानी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व प्रांत अध्यक्ष सरस्वती शिक्षा संस्थान, सुहास देश पांडे अखिल भारतीय संयोजक जनजाति शिक्षा विद्या भारती समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। सरस्वती शिशु मंदिर पूरे प्रदेश में, देश में शिक्षा के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध नाम है। छत्तीसगढ़ में हमारे लगभग 1111 विद्यालय चलते हैं। समाज के सहयोग से हम सारा काम करते हैं और इसलिए 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 सरस्वती शिशु मंदिर के सभी आचार्य, शिशु मंदिर के पूर्व छात्र और समितियों के पदाधिकारी समाज के बीच जाएंगे और समाज के साथ संपर्क करेंगे। इस संपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरस्वती शिशु मंदिर की जो शिक्षा पद्धति है, हमारे जो विद्यालय इस प्रकार से चलते हैं, उसकी जानकारी समाज को देना और समाज क्या चाहता है, समाज किस प्रकार के विद्यालय चाहता है, किस प्रकार की शिक्षा पद्धति चाहता है, ये हम समाज से जानकारी लेंगे, उसके हिसाब से अपने यहाँ आवश्यक परिवर्तन भी करना होंगे तो करेंगे। दूसरी बात, हम अगले 2-3 वर्षों में हमने तय किया है कि हमारे हर विद्यालय को हम उत्कृष्ट विद्यालय, जिसको अंग्रेजी में मॉडल स्कूल बोलते हैं, इस प्रकार से उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। उसमें हम 3 आयाम पर काम करेंगे। हमारी शैक्षणिक गुणवत्ता को और आगे बढ़ाएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे और हम जो व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से बहुत सारी गतिविधियाँ करते हैं उसको परिणाममूलक बनाएंगे। तीसरी चीज़, हम अगले दिनों में स्पोकन इंग्लिश इसको हम हर विद्यालय में प्रारंभ करने वाले हैं अगले साल से, तो ये जानकारी हम समाज को देंगे। दूसरा, गणित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, किसी भी विद्यार्थी के विकास में गणित का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। उससे गणित अच्छा ही अच्छा हो जाता है, उसकी तार्किक क्षमता बढ़ जाती है, विज्ञान जैसे विषय को समझने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। इसलिए अगले वर्षों में हम हमारे हर विद्यार्थी का गणित बहुत अच्छा हो, उसमें वैदिक गणित का सहयोग लेंगे हम। वैदिक गणित के माध्यम से हमारे विद्यार्थी का गणित का भय खत्म हो जाए और गणित में बहुत उत्कृष्ट हो जाए, इस प्रकार के प्रयास हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। इन सारी जानकारियों को लेकर हम समाज के बीच जाने वाले हैं, समाज से उनका विमत पूछेंगे और उसके हिसाब से आवश्यकता अनुसार अपने यहाँ भी प्रयोग करेंगे। मेरा नाम विवेक सक्सेना, सरस्वती शिक्षा संस्थान का प्रादेशिक सचिव। केवल उसी को पढ़ करके परीक्षा पास करके नहीं, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण। तो व्यक्तित्व का निर्माण कैसे? एक संस्कार, जैसे आपने शुरू में ही बताया, संस्कार वो कैसे होगा? तो वातावरण के निर्माण से। वातावरण का निर्माण कैसे होगा? एक जब स्कूल चालू होता है तो एक प्रार्थना वगैरह होती है, भारत माता की, सरस्वती माँ की, ये सब एक हो गई। उसके बाद अपने अपने क्लास में बैठते हैं, फिर जैसे अब खाना खाने का समय आया तो भोजन मंत्र पढ़ना, फिर शारीरिक विकास करना है, खेलकूद चाहिए तो उसके लिए खेल का विकास, खेल वॉलीबॉल फुटबॉल ये है, लेकिन इसके साथ खो खो है, कबड्डी है, दौड़ना है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, भाला फेंका है, इन सब का भी। फिर अपने जैसे मिलिट्री टाइप क्योंकि ना अपन परेड कराते हैं जो, तो उसका विकास, समता बोलते हैं, दाएं मोड़ बाएं मोड़, इसका भी अभ्यास, ये विभिन्न प्रकार के। अब बोलना है तो उसके लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए। फिर जैसे छात्र संसद हम कराते हैं तो बच्चे अपने अपने विषय को खाते हैं, तो विस्तृत व्यक्तित्व का विकास ये पाठ्यक्रम ही रहेगा। दूसरा सर, जो डिजिटलाइजेशन आजकल अभी सभी शिक्षण संस्थानों में देखा जाए, जी जी, तो सरस्वती शिशु मंदिर उस और क्या अपने वो कर रहे हैं? अभी
आगे कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया ना स्पोकन इंग्लिश जो है, हम हमारे कुछ लोग इंग्लैंड में जो बोलते हैं बच्चे तो इंग्लैंड में बैठे हैं दो से तीन शनिवार के बीच, हमारे इंडियन समय के हिसाब से बोलेंगे हमारे बच्चे यहाँ डिजिटलाइजेशन का ये ग्रुप है। जैसे स्मार्ट क्लास है उसमें स्मार्ट क्लास में दो चीजें होती है, एक तो ये होता है कि जैसे अपने प्रोजेक्टर के द्वारा जो रूटीन में कई समय से हम पढ़ा ही रहे हैं, दूसरा ऑनलाइन कोई पढ़ाए तो वो हमको दिखाई दे उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम जैसे कि कोरोना काल था, कोरोना काल में हमारी पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है। आपके पास कितने क्लासरूम होंगे जो डिजिटल है? नहीं, डिजिटल क्लासरूम अभी हमने किसी पर अलग नहीं किया। जैसे अब हमने देवेंद्र नगर पे एक रूम बनाया है, एक हॉल बनाया है 40-50 बच्चों के बैठने के लिए, हर रूम को डिजिटल नहीं किया है क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस टीचर सामने रहेंगे पढ़ाएंगे तो वह फ्रंट में रहेगा। जैसे अब डिजिटल, लेकिन जो डिजिटल बाकी चीजें कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे है, कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए हमने लैब बनाए हैं। आपके कंप्यूटर के जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो एमएस ऑफिस हो, मैट्रिक इंडिया का हो, आपके डिजिटलाइजेशन जो मार्केटिंग है, अब जैसे कागज के बच्चे हैं उनको डेली सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ ये तो कंप्यूटर के माध्यम से किया है। और डिजिटल जो टीचिंग जो है वो हमने अलग से भी क्लास नहीं, जो अपन बोलते स्मार्ट क्लासरूम बोलते हैं वो अभी डेवलप नहीं किया है क्योंकि अभी हमारे पास ऑफलाइन पढ़ाने की व्यवस्था है और दूसरा एक ऑनलाइन से पढ़ाने की एक क्लासरूम की हमने व्यवस्था की है। ये ग्रेजुअली हर जगह हर स्कूल में होगा।